नमस्कार, आपका स्वागत है राजनामा टीवी पे। मैं पूनम आपके साथ। हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने कहा कि चंडीगढ़ में हिमाचल की हिस्सेदारी को लेने के लिए उचित कदम उठाए जा रहे हैं। अरसे से यह मुद्दा लंबित होने से हिमाचल के लोगों को इसका फायदा नहीं मिल पाया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार चंडीगढ़ में हिस्सेदारी और भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड प्रोजेक्ट में भी राज्य के अधिकार दिलाने के मसले को केंद्र पड़ोसी राज्यों से उठा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार के प्रयासों का नतीजा है कि अब BBMB से बिना NOC के सरकार सिंचाई और पेयजल ले सकती है। केंद्र ने हिमाचल को इसकी छूट दे दी है। अब राज्य सरकार ने केंद्र शासित चंडीगढ़ पर अपने वैध अधिकारों के लिए प्रयास और तेज कर दिए हैं। CM सुक्खू ने कहा कि पंजाब पुनर्गठन अधिनियम 1966 स्पष्ट रूप से चंडीगढ़ में हिमाचल प्रदेश को 7.19% हिस्सेदारी का अधिकार देता है। प्रदेश को शुरू से इस अधिकार से वंचित रखा गया है, जो हिमाचल और चंडीगढ़ में रह रहे हिमाचलियों के लोगों के साथ अन्याय है। राज्य सरकार चंडीगढ़ में इस हिस्सेदारी सहित राज्य के सभी वैध अधिकारों को प्राप्त करने के लिए विभिन्न मंचों पर अपनी आवाज़ उठाने से पीछे नहीं हटेगी। इसी के साथ बने रहे राजनामा टीवी पे। धन्यवाद।